इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। दोस्तों, क्या दलित इस बार साक्षी मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा को वोट करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से साक्षी मिश्रा और अजितेश ने एक दूसरे से शादी कर लिया है और उसके विरोध में साक्षी मिश्रा के पिता और भाई आए थे, और ये जान लीजिए दोस्तों कि इसके बाद क्या दलित समाज रायबरेली का उनके पक्ष में वोट करेंगे 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में, या फिर बीजेपी उनको टिकट ही नहीं देगी। दोस्तों देखिए क्या है कि जिस तरह से साक्षी मिश्रा और अजितेश ने एक दूसरे से शादी कर लिया है, इससे काफी ज्यादा ब्राह्मण समाज एक दूसरे पर नाराज हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत बेकार किया है एक दलित से शादी करके। और इसके बाद क्या हुआ है दोस्तों कि बरेली के जो कुछ दलित हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं साक्षी मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा पर, क्योंकि उन्होंने दलित शब्द का अपमान किया है और उन्होंने जिस तरह से ये इसमें हस्तक्षेप किया था इस मामले में। और इसके बाद वहां के लोग ये कह रहे हैं कि इनको दलित भी वोट देते हैं, दलित का वोट आप ले सकते हैं, पर दलित के यहाँ आप अपनी बेटी का शादी नहीं कर सकते। तो इससे दोस्तों ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इनका बीजेपी से कहीं पत्ता ही न साफ हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से दलित समाज इनके ऊपर खपा है, और आने वाले समय में यदि बीजेपी इनको टिकट दे देती है बरेली से, तो इनका जो फॉर्म है इस बार दलित समाज के बीच, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिणाम निकालेगा दोस्तों। जी, क्योंकि ये दलित समाज का विरोध किए हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए दलित समाज का विरोध हुआ है जिस तरह से साक्षी और अजितेश ने शादी कर लिया, और उसके बाद ब्राह्मण जो समाज है वो इन दोनों के ऊपर और खास तौर से अजितेश के ऊपर इस समय ब्राह्मण समाज खपा है और गुस्से में है, और इसी वजह से दोस्तों ये लोगों के जहन में है कि आने वाले समय में राजेश मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाएगा बीजेपी के तरफ से, और यदि उनको टिकट दिया भी गया तो दलित लोग उनको वोट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी तक उन्होंने बरेली में कुछ खास काम भी नहीं किया है। इस वजह से दोस्तों उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में। दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या आपको लगता है कि दलित समाज वोट नहीं करेगा, या भी आपको लगता है कि बीजेपी आने वाले समय में इनको टिकट नहीं देगी? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और इसी तरह के खबरों के लिए, इसी तरह के रियलिटी टेस्टों के लिए आप हमारे चैनल फ्रीडम न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। नमस्कार।